सुपरस्टार सलमान खान की साल 2016 में आई फिल्म सुल्तान को चाइना के सिनेमाघरों में 31 अगस्त को रिलीज किया गया था और रिलीज होने के पहले इस फिल्म को लेकर भारी एडवांस बुकिंग भी हमें देखने को मिली। जब फिल्म चाइना के सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है और लगातार फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, फिल्म सुल्तान को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं, 5वें दिन भी हमें कलेक्शन में कोई उछाल नहीं देखने को मिल पा रहा है। और आपको बताते चले, अब तक फिल्म सुल्तान ने चाइना के सिनेमाघरों में 27 करोड़ से कुछ ज्यादा ही कलेक्शन किया है, जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक है। चाइना में फिल्म सुल्तान का मंगलवार का कलेक्शन था 2,86,00,000। ये फिल्म अब तक 27,61,00,000 की कलेक्शन कर पाई है। फिल्म सुल्तान को चाइना के करीब 11,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। पहले फिल्म को देखने के लिए भारी भरकम दर्शक भी आ रहे थे, लेकिन अब दर्शकों के बीच भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अब दर्शकों की संख्या 2,00,000 से घटकर 91,000 तक आ गई है और अगर आगे भी ऐसे चलता रहा तो फिल्म सुल्तान चाइना में फ्लॉप साबित हो जाएगी। लेकिन ट्रेंड पंडितों का कहना है कि अगले हफ्ते ये फिल्म शायद अपने फिल्म के कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये चीन में हाल के दिनों में रिलीज हुई किसी भी भारतीय फिल्म का सबसे बुरा प्रदर्शन साबित होगा। आपको बताते चले, फिल्म सुल्तान में सलमान खान की दूसरी फिल्म है जो चाइना में रिलीज हुई है। इससे पहले सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान वहाँ रिलीज हो चुकी है, जिसे बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। वैसे देखा जाए, आमिर खान का चाइना के बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से दबदबा रहा है और आमिर खान की फिल्म पीके, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार पर बढ़िया कलेक्शन करती नजर आई हैं। लेकिन आमिर के मुकाबले सलमान खान का कोई दबदबा चाइना के बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिख रहा है।